ओके, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में। तो मान लीजिए कि आप एक रिसर्चर है, आप एक इन्वेस्टिगेटर है, और आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस सपोर्ट टोबैको चीविंग, कितने परसेंटेज भारतीय जनता टोबैको खाने का समर्थन करती है। तो अभी आप टेंशन में आ जाओगे कि सारे के सारे भारतीय जनता, मतलब सारे के सारे इंडियंस को पकड़ पकड़ कर ये सवाल कैसे करोगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन होगी अराउंड 1.4 मिलियंस की, या उससे भी ज़्यादा। और ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा टास्क है कि 1.4 मिलियन लोगों को ये क्वेश्चन पूछोगे। इट्स लाइक मिशन इम्पॉसिबल, ठीक है? मैं 1.4 मिलियंस बोल रही हूँ, पॉपुलेशन और भी ज़्यादा होगी, लेकिन अभी के लिए मैं 1.4 मिलियंस का एक एक डेटा रख रही हूँ अभी, ठीक है? तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा टास्क है कि आप 1.4 मिलियन लोगों को ये क्वेश्चन पूछोगे। पर आप इन्वेस्टिगेटर हो और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना ही है। तो मान लीजिए कि किसी ने आपको सजेशन किया कि आप सैम्पलिंग करके देख ले, तो अब आप सोचोगे कि ये सैम्पलिंग क्या बला है। तो आज इस वीडियो में आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। नाउ हमारे पास दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, पहली है पॉपुलेशन और दूसरी है सैम्पल। तो पहले हम पॉपुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन मतलब ये है ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि एक जगह, एक सिटी में रहने वाले लोग, ठीक है, या एक गांव में रहने वाले लोग, या एक कॉलेज की पॉपुलेशन, कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रही है उस कॉलेज की पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन आदमियों की, या फिर पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन, या फिर न्यूबॉर्न बेबीज की पॉपुलेशन। तो इंसान ही नहीं, कुछ चीज़ें, कुछ आइटम्स की भी पॉपुलेशन। जैसे कि समझे कि किसी रोड पर बहुत सारी कार चल रही हैं, तो वो कार की भी एक पॉपुलेशन है, ओके, एक पॉपुलेशन हुई। और आपको पता करना है कि उन कारों में से बैटरी ऑपरेटेड कार्स कितनी है। सो पॉपुलेशन इज द एंटायर ऑफ समथिंग। पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स जिनमें कोई एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी जो हमको पता लगानी है। क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी होती है और हम हर एक पॉपुलेशन की यूनिट को इंस्पेक्शन नहीं करते बैठ सकते, तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो बेहतर है कि पॉपुलेशन के बजाय हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सेलेक्ट करें और उस सैंपल का इंस्पेक्शन करें, ठीक है? अब जो पॉपुलेशन की साइज है वो भी अलग अलग होती है। पॉपुलेशन बहुत बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि एक पूरी कंट्री इंडिया, गाइगेंटिक पॉपुलेशन, या फिर एक छोटा सा नर्सिंग होम, ये भी हमारी पॉपुलेशन हो सकती है। मान लीजिए कि हमको सर्वे करना है कि अलग अलग उम्र के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या परेशानियां हो रही है, तो ये सर्वे करने के लिए हम एक नर्सिंग होम को स्टडी कर रहे हैं, तो उस नर्सिंग होम के जो पेशेंट्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन हो गई। या फिर 50 स्टूडेंट्स की एक छोटी सी क्लासरूम, ये भी हमारी पॉपुलेशन हो सकती है, ठीक है? तो पॉपुलेशन इंसान या चीज़ ही नहीं, पॉपुलेशन अलग अलग साइज की भी हो सकती है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉपुलेशन के बारे में, ये हमेशा इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से। तो कभी भी आप देखते हैं कि कैपिटल एन इज इक्वल्स टू और कोई नंबर है, तो वो नंबर का मतलब है कि ये एक पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब नेक्स्ट सैंपल क्या होगा? सैंपल मतलब ये एक पॉपुलेशन का पार्ट है, आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन का एक छोटा सा परसेंटेज, इट इज अ सब ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है? तो कैपिटल एन होगा पॉपुलेशन के लिए और स्मॉल एन होगा सैंपल के लिए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सैंपल को इतना इम्पोर्टेंस क्यों? हम मेहनत करेंगे, सारे पॉपुलेशन का सर्वे करेंगे और एकदम एक्यूरेट रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन अगर समझिए आपकी पॉपुलेशन है 50 स्टूडेंट्स वाली एक छोटी सी क्लासरूम,
तो हम आराम से सारे के सारे पॉपुलेशन का सर्वे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सर्वे करना है 1.4 मिलियन पॉपुलेशन वाले इंडिया जैसी कंट्री को, और 1.4 मिलियन पॉपुलेशन का सर्वे करने का करना तो जैसे कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली बात है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका एक छोटा सा परसेंटेज लेंगे, और ये छोटा सा परसेंटेज बन जाएगा हमारा सैंपल। और अगर ये सैंपल बहुत ही अच्छा सैंपल है, अच्छा सैंपल मतलब ये सैंपल सारे पॉपुलेशन को बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एज, जेंडर, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इनकम, तो इस सैंपल से हम पॉपुलेशन का इन्फ्रेंस या उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हम हमारे इन्वेस्टिगेशन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन सपोर्ट टोबैको चीविंग? तो यहाँ हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? यस, आप बोलिए, आपके दिमाग में आ रहा है जो इंडियंस है वो होगी हमारी पॉपुलेशन, राइट? बट आप सोच के देखिए, क्या आप ये जो क्वेश्चन है क्या आप न्यूबॉर्न बेबीज से कर सकते हैं? क्या आप ये सवाल स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बालकों से, बालिकाओं से, छोटे छोटे बच्चों से क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या सोचते हैं तुम टोबैको खासना सही होगा? क्या आप ये क्वेश्चन छोटे बच्चों से कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये छोटे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दे सकते। मतलब वो बच्चे क्यों ना, वो बच्चे इंडियन ही है, वो इंडियन पॉपुलेशन का हिस्सा ही है वो छोटे बच्चे, लेकिन वो बच्चे सैंपल में इंक्लूड करने के लायक नहीं होते। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन किससे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं 18 इयर्स या उससे ज़्यादा उम्र वाले इंडियंस को। तो ये होगी हमारी ट्रू रिप्रेजेंटेटिंग सैंपल। ठीक है, और अब ये पॉपुलेशन होगी अराउंड रफली मान लीजिए 1 मिलियन लोगों की। तो हम 1.4 मिलियन से 1 मिलियन पर आ गए, पर सारे के सारे 1 मिलियन अडल्ट का हम सर्वे नहीं कर सकते, ये भी इम्पॉसिबल सा चीज़ है। तो हम अडल्ट की एक छोटी सी पॉपुलेशन मान लीजिए कि 2000 अडल्ट को सेलेक्ट करेंगे और ये बन जाएगी हमारी सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स आते हैं को जैसे कि टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन मतलब द एंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड बाई द रिसर्चर। तो ये ग्रुप है उन सारे यूनिट्स का या इंडिविजुअल का या मेंबर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक की रिक्वायरमेंट हमारे इन्वेस्टिगेटर को है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हम क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वॉट परसेंटेज ऑफ इंडियंस सपोर्ट टोबैको चीविंग। तो इंडियंस के ऊपर हमको सर्वे करना है, तो इंडियंस होगी हमारी टारगेट पॉपुलेशन, और सारे के सारे इंडियंस उसमें छोटे न्यू बॉर्न बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, वो सभी लोग इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट आएगी हमारी स्टडी पॉपुलेशन। अ सबसेट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु आर एसेसिबल टू बी रिक्रूटेड एज द पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी। ठीक है, तो स्टडी पॉपुलेशन मतलब ये पॉपुलेशन का वो पार्ट है जिस पर हम सर्वे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एग्जांपल में 18 साल से बड़ी उम्र वाले इंडियन लोग, और इसमें होगा हमारा सैंपल। अ सबसेट ऑफ द असेसिबल पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु आर सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी। ठीक है, तो सैंपल मतलब ये स्टडी पॉपुलेशन का वो पार्ट है जिन पर हम सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सैम्पलिंग। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर अ स्टडी इन सच अ वे दैट द इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट द लार्जर ग्रुप फ्रॉम विच दे वर सेलेक्टेड। तो सैम्पलिंग मतलब ये एक प्रोसेस है इंडिविजुअल्स सेलेक्ट करने का, और जो इंडिविजुअल्स हम सेलेक्ट करते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो स्टडी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट, सैंपल में हमारे पास दो तरह के सैंपल हो सकते हैं, एक है लार्ज सैंपल और दूसरा है स्मॉल सैंपल। लार्ज सैंपल मतलब
द सैम्पल साइज इज ग्रेटर देन 30, मतलब यहाँ पर 30 से ज़्यादा लोग या सामान या चीज़ होने चाहिए, उसे हम लार्ज सैम्पल बोलते हैं। स्मॉल सैम्पल मतलब 30 या उससे कम लोग या उससे कम चीज़ होंगे, तो उसे हम बोलेंगे स्मॉल सैम्पल। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिक ओबटेन फ्रॉम द सैम्पल कैन बी टेकन एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। लार्ज सैम्पल में जो हम लोग रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट के दम पर हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा क्यों बताएं? क्योंकि, और मतलब हम पहले स्मॉल सैम्पल का भी देखते हैं। स्मॉल सैम्पल का सेकेंड पॉइंट क्या है? द वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिक ओबटेन फ्रॉम द सैम्पल कैन नॉट बी टेकन एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। नो, इसमें क्या मतलब है इसका? जो लार्ज सैम्पल से जो हमको रिजल्ट मिलते हैं, उस रिजल्ट को हम पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल सैम्पल से जो स्टैटिस्टिक हमको मिलता है, उससे हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न क्या है कि समझे कि हम एक इंडिया के कंट्री को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस सपोर्ट टोबैको चीविंग, तो हम सारे इंडिया के बारे में हमको सर्वे करना है, इंडियंस के ऊपर हमको सर्वे करना है। और अगर समझो सैम्पल हम बहुत ही छोटा लें, तो वो छोटा सैम्पल सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियंस अलग अलग तरीके के होते हैं। अलग अलग तरीके के मतलब अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग एज ग्रुप के पास अलग राय होती है, अलग इनकम वाले लोग रहते हैं, कम पैसे कमाने वाले, ज़्यादा पैसे कमाने वाले, उनकी राय टोबैको चीविंग के ऊपर अलग होती है। मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, उनकी राय भी टोबैको चीविंग के ऊपर अलग होती है, ठीक है। अलग अलग धर्म के लोग, मतलब हर किसी के पास अलग राय होती है, उसको उसके क्वेश्चन का आंसर हर किसी के पास अलग होता है। तो अगर हम इंडिया को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके हिसाब से हमको बड़ा सैम्पल चाहिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसमें वेरिएशंस भी ज़्यादा है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो इसीलिए हमको अलग अलग तरह के लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हमको चाहिए एक बड़ा सैम्पल। अगर हमारे पास सैम्पल बड़ा है, तो उसके जो स्टैटिस्टिक्स हमको मिलते हैं, उससे हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सैम्पल बहुत ही छोटा सा है, तो उसके जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू हमको जो निकल के आते हैं, उसको हम पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, फॉर लार्ज सैम्पल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए, लेकिन स्मॉल सैम्पल के लिए हमको टी या एफ टेस्ट करना रहता है टेस्टिंग के लिए। ये सब आपको आगे की वीडियो में समझ में आ जाएंगे सारे टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट, सैम्पलिंग दो तरह की होती है, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब यहाँ पर हम ज़्यादा स्ट्रेस या दबाव नहीं लेते, ज़्यादा भागा दौड़ी भी नहीं करते, जो भी हमारे सामने है उसी को हम सैम्पल बना लेते हैं, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो भी नज़दीक या आराम से पास में हो उसे हम सैम्पल बना देते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन के सभी लोगों को, सभी यूनिट्स को इक्वल चांस नहीं मिलता सैम्पल में सेलेक्ट होने के लिए। बट जो हमारी फर्स्ट टाइप है, जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग टेक्निक है। इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि इस सैम्पलिंग टेक्निक में पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स को इक्वल चांस मिलता है स्टडी में इंक्लूड होने के लिए, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से हमको बहुत ही अच्छी सैम्पल मिलते हैं। अच्छे सैम्पल मतलब ऐसे सैम्पल जो पूरी के पूरे पॉपुलेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। नाउ नेक्स्ट हम इनके टाइप्स देखते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेनली फोर टाइप्स के हैं, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो है तीन तरीके की, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये था हमारी आज की वीडियो। क्या मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रैंडम सैम्पलिंग के बारे में।